तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्राफ्टिंग के बारे में कि ग्राफ्टिंग होती क्या है और ग्राफ्टिंग करने के कितने मेथड्स हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कोई पौधे में ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं। जब कोई पौधे को हम लगाते हैं तो वह एकदम से फल नहीं देने लगता, उसको कुछ टाइम लगता है फल देने में। हमें अगर उस नए पौधे में फल चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हम किसी पुराने पौधे की कटिंग उस नए पौधे में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो नया पौधा कुछ दिनों में फल देने लगता है। तो इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अब हम जान चुके हैं ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं, तो अब हम जान लेते हैं कुछ ग्राफ्टिंग के मेथड्स को। तो मेथड को जानने से पहले कुछ हम ऐसे टर्म समझ लेते हैं जो हमें आगे काम आने वाले हैं। तो जो पहला टर्म है वो है सायन। सायन हम उसे कहते हैं जिस पेड़ की हम ब्रांच को लेने वाले हैं उस नए पौधे में लगाने के लिए। और अब दूसरा टर्म है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक हम उसको कहते हैं जिस पौधे में हम वह लगाने वाले हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे इस रूट स्टॉक को और सायन को अच्छी तरह। तो अब हम समझ लेते हैं ग्राफ्टिंग के मेथड के बारे में कि ग्राफ्टिंग के कितने मेथड होते हैं। ग्राफ्टिंग के टोटल 12 मेथड्स होते हैं। अब हम इनको एक एक करके जान लेते हैं कि किन किन मेथड्स में क्या क्या होता है और कैसे की जाती है। सबसे पहला मेथड है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। यह मेथड बहुत ही सरल और साधारण है। तो आपको क्या करना है कि इस मेथड को करने के लिए आपको रूट स्टॉक और सायन की मोटाई को ऐसा चुनना हो कि लगभग दोनों बराबर हों। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को चुन लें तो फिर दोनों में रूट स्टॉक और सायन में 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कट लगाना है और फिर इन दोनों को जोड़ देना है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। फिर इन दोनों को टेप की मदद से अच्छी तरह जोड़ देना है जिससे इसमें एयर ना जाए, जिससे आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो पाए। तो पहला मेथड था ये। तो अभी हमने पहले मेथड को देखा, तो अभी हम समझ लेते हैं दूसरे मेथड को जो है क्लेफ्ट और बेज ग्राफ्टिंग। तो इस मेथड में क्या होता है, यह बहुत ही पुराना मेथड है। यह ज़्यादातर ट्री की ब्रांचेस में किया जाता है और ये मार्च वाले महीने में किया जाता है, जिससे इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो रूट स्टॉक होता है उसमें सबसे पहले 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा बीच से कट लगा लेते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। फिर सायन को कील नुमा आकार में काट कर फिर इसमें फंसा देते हैं। फिर इसे बैग्स या पॉलीथीन या किसी टेप की सहायता से अच्छी तरह से एयर टाइट अच्छी तरह से कस देते हैं, जिससे इसमें एयर ना जाए। तो ये हुआ हमारा दूसरा मेथड। अब बढ़ते हैं तीसरी मेथड की तरफ, जो है बार्क ग्राफ्टिंग। बार्क ग्राफ्टिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो ट्री की ऊपरी परत होती है उसी को हम बार्क कहते हैं। तो इस ग्राफ्टिंग में उसी परत में ग्राफ्टिंग करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बार्क ग्राफ्टिंग। तो जब हम रूट स्टॉक को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी उसकी काट छांट कर लेते हैं, जिससे वो प्लेन हो जाए ऊपर, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। फिर रूट स्टॉक की हल्की सी बार्क को काट कर उसे हल्का सा नीचे मोड़ लेते हैं और फिर सायन में जिसमें 2 से 3 बड होने चाहिए उसको हल्का सा नीचे की तरफ तिरछा काट लेते हैं और फिर उसी बार्क में अच्छी तरह फिट कर देते हैं और फिर ग्राफ्टिंग बैग्स या टेप की सहायता से अच्छी तरह से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें एयर ना जाए। तो नंबर 4 पर है साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है ग्राफ्टिंग का। इस ग्राफ्टिंग में आपको रूट स्टॉक में एक कट लगा लेना है 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा और ऐसा ही कट आपको एक सायन में लगा लेना है, जिससे दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह जुड़ जाएं। तो सायन को तैयार करने के लिए कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। सायन को तैयार करने के समय आपको सायन की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर लेनी है और सायन में कम से कम 2 से 3 बड होने चाहिए। तो आप ये समझ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं कि इसे जोड़ें कैसे। तो इसे हम टेप की या बैग्स की सहायता से इसे जोड़ सकते हैं और वैसे ही आपकी ग्राफ्टिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं वीनर ग्राफ्टिंग के बारे में। वीनर ग्राफ्टिंग में सबसे पहले आपको रूट स्टॉक की बार्क में 5 सेंटीमीटर लंबा कट लगा लेना है, फिर उसे बार्क को हल्का सा मोड़ कर रख लेना है और फिर सियोन में 5 सेंटीमीटर ही एक तिरछा कट लगाना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और फिर
उन दोनों कटे हुए हिस्से को आपस में जोड़ देना है और फिर उस बार्क को ऊपर से ढक देना है। फिर उस पर वैक्स या टेप की सहायता से अच्छी तरह जोड़ देना है। तो ये हुई हमारी वीन ग्राफ्टिंग। तो चलिए अब जानते हैं अगली ग्राफ्टिंग के बारे में। तो नंबर 6 पर है वेब ग्राफ्टिंग, इसको टोंग ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो टोंग ग्राफ्टिंग में हम सियोन और रूट स्टॉक में दोनों में एक जैसा ही कट लगाते हैं, जैसा हम स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में लगाते थे। तो जब दोनों में हम कट लगा लेते हैं तो कटे हुए हिस्से पर फिर एक और कट लगाते हैं दोनों में, रूट स्टॉक में और सियोन में। तो जब कट लगा लेते हैं तो कटे हुए हिस्से को एक दूसरे में फंसा देते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो फिर इस कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह टेप व ग्राफ्टिंग वाली बैग से अच्छी तरह भर देते हैं, जिससे एयर नहीं जाती और आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग की। अप्रोच ग्राफ्टिंग को बड़े पेड़ों में किया जाता है, और यह तब किया जाता है जब पेड़ की ग्रोथ ना हो रही हो या उसकी कुछ मेन जड़ों में दिक्कत हो या पुराने पेड़ हो गए हों और उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, तब इस अप्रोच ग्राफ्टिंग को अपनाते हैं। ग्राफ्टिंग में सबसे पहले हम उस पेड़ को चुन लेते हैं जो पेड़ ख़राब है या जिसकी मेन रूट में कुछ कमी है, और फिर उस पेड़ के आसपास हम कुछ सीडलिंग लगा देते हैं। तो जब वो सीडलिंग धीमे धीमे बड़ी हो जाती हैं तो फिर उन सीडलिंग को हम उसी पेड़ में सायोन की तरह यूज़ करके उसमें लगा देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वो जो सीडलिंग हमने लगाई थी, या कहें कि जो सायन हमने उस ट्री में जोड़े थे, वो अब उस प्लांट की मेन रूट हो जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली ग्राफ्टिंग के बारे में, जो है ब्रिज ग्राफ्टिंग, और इसको हम रिपेयर ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इस ग्राफ्टिंग को तब यूज़ करते हैं जब पौधे में कोई भाग या कोई पौधे का हिस्सा डैमेज हो जाए या उस हिस्से में कोई कीड़ा लग जाए या इंजरी हो जाए, तब हम इस ग्राफ्टिंग को अपनाते हैं। तो प्लांट में जो भाग डैमेज हो जाता है, सबसे पहले उस भाग की जो प्लांट की जो छाल होती है उसको हम निकाल देते हैं, सबसे पहले उसको रिमूव कर देते हैं। और इस ग्राफ्टिंग में सियोन को कुछ डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाता है। यह ग्राफ्टिंग आपको मई के मंथ में करनी होती है। जब सियोन का चुनाव करें तो ध्यान दें कि जो सूट है यानी पेड़ की नई ब्रांच, वो डोरमेंट प्लांट की हो और एक साल पुरानी हो। फिर जब सियोन का चुनाव हो जाए, तब जो प्लांट की बार डैमेज हो या जो हिस्सा डैमेज हो उसकी बार्क हमें निकाल देनी है और हटा देनी है, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। फिर स्टॉक में दो कट लगा लेने हैं, एक कट 5 सेंटीमीटर ऊपर की बार्क में और दूसरा 5 सेंटीमीटर नीचे वाली बार्क में लगा लेना है। फिर 0.5 सेंटीमीटर तिरछा कट ऊपर की ओर सायन में और 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर। फिर इन दोनों को अच्छी तरह जोड़कर टेप से ढक देना है। तो अब हम जान लेते हैं अपनी अगली ग्राफ्टिंग के बारे में, जो है टॉप ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग का मकसद ये होता है कि एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में चेंज करना। तो आप ऐसे मान के चलिए, कोई आपने ए वैरायटी का सेब लगाया, फिर आपको लगा कि ये वैरायटी वाला सेब अच्छे व ज़्यादा फल नहीं दे रहा है, तो आपने सोचा कि इस वैरायटी को कैसे चेंज करें। तो इस वैरायटी को चेंज करने के लिए आपने बी वैरायटी की सेब की कोई कलम ली और आपने ए वैरायटी वाले उसमें लगा दी। तो इसी को हम कहते हैं टॉप ग्राफ्टिंग। तो टॉप ग्राफ्टिंग को आप क्लैप्ड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग और आप बार ग्राफ्टिंग द्वारा कर सकते हैं। तो हमारी अगली ग्राफ्टिंग आती है, जो नंबर 10 पर है, सैडल ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग में आपको स्टॉक में कील नुमा आकार का कट लगा लेना है और आपको सायन में वी आकार का कट लगाकर दोनों को अच्छी तरह, आपने जैसा आप जैसा इस इमेज में देख पा रहे हैं उसी तरह दोनों को अच्छी तरह जोड़कर अच्छी तरह टेप द्वारा लगा देना है, जिससे इसमें एयर ना जाए। तो अगली ग्राफ्टिंग है हमारी डबल ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग को हम कुछ ही फ्रूट वाले ट्री में कर सकते हैं, लेकिन इस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जब सायन और स्टॉक जब दोनों आपस में मेल ना खाते हों तो हम इसमें इंटर स्टॉक का सहारा लेते हैं। इंटर स्टॉक हम उसको कहते हैं जो पेड़ का बीच वाला हिस्सा होता है,
उसे हम इंटरस्टॉक कहते हैं, जो सायन और रूट स्टॉक को जोड़ता है। तो ये हुई हमारी डबल ग्राफ्टिंग। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ग्राफ्टिंग की तरफ, जो है स्टोन और एपिकॉर्डल ग्राफ्टिंग। यह बहुत ही नया तरीका है ग्राफ्टिंग का। यह ज़्यादातर मैंगो ट्री में यूज़ की जाती है। इस ग्राफ्टिंग में स्टॉक की एज और साइज सायन के मुकाबले थोड़ी कम होनी चाहिए। सबसे पहले इस ग्राफ्टिंग को करने के लिए हम स्टॉक में वी आकार का कट लगा लेते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख पा रही हैं, और फिर सायन में एक कीलनुमा आकार का कट लगाकर दोनों को अच्छी तरह से फंसा देते हैं, और फिर टेप और ग्राफ्टिंग बैग्स की सहायता से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। ये हुई हमारी एपिकॉर्डल ग्राफ्टिंग कंप्लीट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।